रेड्डी चलो कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, बीसियों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ हमेशा रही। जहां पर इलेक्शन आता है वहां पर केसीआर मैं अपना सर काट लेता हूं लेकिन दलित को सीएम बनाता हूं बोल के वादा किया, हर दलित को 3 एकड़ जमीन देता हूं बोल के बोला, हर एसटी को जो सो आदिवासियों को 12% रिजर्वेशन देता हूं बोल के बोला। आज हुजूराबाद में इलेक्शन है तो बसों में पुलिस के जरिए, कलेक्टर के जरिए प्रगति भवन में बुलाकर दलित बंधु बोल के 10 लाख रुपए अनाउंस कर रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज रेवंत रेड्डी साहब 9 तारीख के दिन 1 लाख लोगों के साथ दलित और गिरिजन ढंडोरा बोल के एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ा जंग आंदोलन इंदरवेल्ली आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट कर रहे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट से और हमारे गिरिजन और हमारे दलितों के जरिए इंसाफ मिलना पूरे तेलंगाना के दलितों को और गिरिजन को बोल के ये जो प्रोग्राम लगाए, इसलिए कि हर इलेक्शन आने से पहले कई बोलता हुसैन सागर में 125 फीट लंबा मैं अंबेडकर जी का स्टैचू लगाता हूँ बोलता, कभी बोलता 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोलता, हर एक को डबल बेडरूम देता हूँ बोलता, 3 एकड़ जमीन देता हूँ बोलता, इस तरीके से झूठे बातें कर हर एक आदमी को। आज खाली मोटरसाइकिल पे आप एक बार ऑनलाइन चेक करके देखो, एक एक मोटरसाइकिल पे जो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये, एक चालन 1000 रुपये का चालन लगा दिया। तो आज लोग व्हाट्सएप पे ये पूछ रहे कि 200-500 टीआरएस के लोग वोट दे, वोट के लिए देने के बाद आज ये हर एक को उसका 10 गुना ज़्यादा 5000-10 हज़ार रुपये मोटरसाइकिल और कारों का चालन बनना पड़ रहा। तो इस तरीके से रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लीडर्स सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग तेलंगाना की लड़ाई लड़े, तेलंगाना लड़कर हमारे 1200 बच्चों का कुर्बानी के बाद, उनके शहादत के बाद जो सो तेलंगाना मिला, सोनिया गांधी जी तेलंगाना में भी हमको लाश होता, आंध्रा में तो हमारा वार्ड मेंबर भी नहीं जीतता, वो तो तेलंगाना दिए। तो इस तेलंगाना में केसीआर अपने बेटे को, बेटी को, अपने दामाद को, अपने